और इस अवार्ड के विजेता हैं देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले के पीयूष पुरोहित। पीयूष जो स्थानों के लोगों के और उन क्षेत्रीय त्योहारों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम पता होता है। जोरदार तालियां पीयूष पुरोहित के लिए। पीयूष बधाई हो। सुनाओ। सर मैं उत्तराखंड से हूँ और चमोली। चमोली से हो। तो सर मैं अपने जो उत्तराखंड की पुरानी परंपरा होती है उनको प्रमोट और मतलब अलग तरीके थोड़ी VFX वगैरह एडिटिंग वगैरह से उसे थोड़ा और एंटरटेन कर लिया। जैसे जैसे कि उसमें थोड़ा VFX यूज कर लिया जैसे वीडियोस में VFX होते हैं विजुअल आर्ट्स। मैंने मन की बात में एक बार लोगों को अपील किया था किसी और राज्य के गीत को गाइए और चमोली का जो गीत है एक वो केरल की बच्चियों ने स्कूल में गाया था बहुत पॉपुलर हो गया था। शायद आपने वायरल देखा होगा उसको। चमोली का वो गीत बड़ा फेमस है लोगों के स्वागत के लिए गाया जाता है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ कहिए कहिए। कोई बात नहीं सर फर्स्ट टाइम वाले ही है। चलिए बहुत धन्यवाद। और नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की आखिरी श्रेणी बेस्ट सेलिब्रिटी क्रिएटर अवार्ड और ये अवार्ड दिया जा रहा है अमन गुप्ता को। एक उद्यमी के तौर पर अपनी सफलता और अपने इनोवेटिव बिजनेस स्ट्रेटजीज के लिए मशहूर शार्क टैंक इंडिया में भी शामिल अमन गुप्ता। अमन बहुत बहुत बधाई हो। सर आप तो अब सक्सेसफुल है अपने जीवन में भी और दुनिया को भी दिखा रहे हो जरा बताइए। सर 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया आया था हमने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी सर। वो तो जब हमने स्टार्ट करी थी तो लोग बोलते थे कि ये क्या कर लेंगे ऐसा छोटा सा ब्रांड है कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज सर 2024 सात साल बाद सर वी आर वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट सर विश्व सेकेंड लार्जेस्ट ऑडियो ब्रांड सर। 2021 में सर कोविड आया सर हमारा सारा सामान इंडिया के बाहर बनता था सर। 2021 में आपने मेक इन इंडिया स्टार्ट किया सर यहाँ पहन के सर प्राउडली हम। और सर आज की टाइम सर 70% ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर नाउ मेड इन इंडिया सर। तो सर अभी अगला हमारा बस यही विजन है सर कि इंडिया से कोई ब्रांड अच्छा ब्रांड इंडिया से बाहर जाए और जैसे यहाँ पे जब कोई फिरंगी प्रोडक्ट आता है और लाइन लगती है हम चाहते फिरंगी भी हमारा प्रोडक्ट लाइन लगा के खरीदे सर। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री।